बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम राशिदा परवीन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू बीएस केमिस्ट्री 7th ऑन द टॉपिक फ्यूरेन। एंड टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 2। क्लास, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो फ्यूरेन के बारे में डिस्कस करना है। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल के बारे में। पायरोल जो है वो भी एक 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो हेट्रो एटम के तौर पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह से फ्यूरेन जो है वो भी एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। चलें अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन क्या है? फ्यूरेन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूरेन जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। कंसिस्टिंग ऑफ अ 5 मेंबर एरोमेटिक रिंग, ये जो है कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है 5 मेंबर एरोमेटिक रिंग के ऊपर विद 4 कार्बन एटम्स, जिसमें 4 जो हैं वो कार्बन एटम्स होते हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि कंटेन करते हैं सच रिंग्स, इस तरह की रिंग जिसमें 4 जो है वो कार्बन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं फ्यूरेन्स। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H4O। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका 3D फार्मूला है और ये इसका सिंपल स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन जो है वो एज ए हेट्रो एटम प्रेजेंट है और इन कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है कि हम फ्यूरेन को किस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो है इंडस्ट्रियल स्केल प्रिपरेशन। फ्यूरेन इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियल लेवल पे फ्यूरेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर्म परफ्यूरल। परफ्यूरल से जो है वो फ्यूरेन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ऑब्टेन बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेंटोसान्स, जो कि पेंटोसान की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से बनता है। एल्डो पेंटोस शेफली फर्स्ट फॉर्म्ड डिहाइड्रेट टू गिव अ परफ्यूरल। इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले पेंटोसान की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है जिसके नतीजे में हमारे पास एल्डो पेंटोज बनता है। अब ये जो एल्डो पेंटोज होता है इसकी जब हम इसको हीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जनरेट होते हैं परफ्यूरल्स। अब ये जो परफ्यूरल्स हैं इनकी स्टीम डिस्टिलेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड कैटलिस्ट एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास बनते हैं फ्यूरेन्स। नेक्स्ट हमने इसकी सिंपल प्रिपरेशंस पढ़नी है कि लैब में इनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमने इनको डिस्कस करना है। इससे जो पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग इसकी डिस्कस किया वो इंडस्ट्रियल लेवल पे थी। तो इसमें क्या होता है, फ्यूरेन में भी ऑब्टेन, अब फ्यूरेन जो है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है इन 4 मेथड्स के जरिए से। नंबर 1 है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूकिक एसिड। नंबर 2 है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ परफ्यूरल विद पोटाशियम डाइक्रोमेट। नंबर 3 है बाय डीकार्बोनाइलेशन ऑफ परफ्यूरल। नंबर 4 है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड। अब हम वन बाय वन इसकी प्रिपरेशन के मोड्स को डिस्कस करेंगे कि इन प्रिपरेशन के ज़रिए से हम इन मेथड्स के ज़रिए से फ्यूरेन को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूकिक एसिड। म्यूकिक एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन से हम फ्यूरेन को ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्यूरेन में भी ऑब्टेन बाय ड्राई डिस्टिलेशन। फ्यूरेन जो है इसको ड्राई डिस्टिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं और वो ड्राई डिस्टिलेशन किसकी होगी, म्यूकिक एसिड की होगी। म्यूकिक एसिड की जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास बनता है फ्यूरोइक एसिड। अब ये जो फ्यूरोइक एसिड है इसको फिर हीट करवाया जाता है एट 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसे डीकार्बोनाइलेशन भी कहते हैं।
सॉरी डी कार्बोक्सीलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब हम हीट करवाते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डी कार्बोक्सीलेशन। अब डी कार्बोक्सीलेशन जब हम फ्यूरोइक एसिड की करवाते हैं तो हमारे पास जनरेट होता है फ्यूरेन। नेक्स्ट है बायोऑक्सीडेशन ऑफ फर्फ्यूरल। फर्फ्यूरल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं फ्यूरेन। अब फर्फ्यूरल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है फ्यूरोइक एसिड। इस फ्यूरोइक एसिड को जब हीट करवाया जाता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये डीकार्बोक्सीलेशन शो करता है और फ्यूरेन जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है बाय डीकार्बोनाइलेशन ऑफ फर्फ्यूरल। फर्फ्यूरल की डीकार्बोनाइलेशन से हमारे पास फ्यूरेन्स ऑब्टेन होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब ये हमारे पास फर्फ्यूरल है, फर्फ्यूरल की जब स्टीम डिस्टिलेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो हमारे पास फ्यूरेन जो है वो ऑब्टेन होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी यहाँ से इवॉल्व होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोनाइलेशन। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड, इसका मेथड नंबर 4 है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड को लेते हैं। ये सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड की एक कीटो फॉर्म है। इस कीटो फॉर्म को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है डाई इन डाई ओल फॉर्म, और फिर इस डाई इन डाई ओल फॉर्म को ट्रीट करवाते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ जब इसको हीट करवाया जाता है तो हमारे पास फ्यूरेन जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अब हमने देखनी है फ्यूरेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो फ्यूरेन की कैसे होती हैं। फ्यूरेन इज अ कलरलेस लिक्विड। फ्यूरेन जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट हैज़ क्लोरोफॉर्म लाइक स्मेल। इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो क्लोरोफॉर्म के जैसी होती है। इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर इनसोलुबल होता है बट सोलुबल इन अल्कोहल एंड ईथर। आपको पता है कि फ्यूरेन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होते हैं, जैसे पोलर डिजोल्व, पोलर जो है वो कंपाउंड्स पोलर के अंदर डिजोल्व होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकली फ्यूरेन रिजेंबल्स विद बेंजीन। केमिकली जो है फ्यूरेन बेंजीन के जैसा होता है बट इट टेंड्स टू ब्रेक ओपन रेडली एट द ऑक्सीजन लिंकेज। लेकिन जो बेंजीन रिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है और वहाँ पे उसकी ब्रेकिंग नहीं होती, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिक्वायर होती है। लेकिन जो हमारे पास फ्यूरेन की रिंग होती है, अगर हम इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है और उसके नतीजे में रिंग ओपनिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस। रिएक्शन अब हमने डिस्कस करने हैं फ्यूरेन के। नंबर वन है इसका बेसिक करेक्टर। फ्यूरेन लाइक पायरोल इज अ वीक बेस। फ्यूरेन जो है पायरोल की तरह एक वीक बेस है। इट फॉर्म्स अनस्टेबल सॉल्ट विद मिनरल एसिड। जब इसको मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये अनस्टेबल सॉल्ट्स बना देता है। फ्यूरेन को जब मिनरल एसिड यानी कि HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये देता है फ्यूरेन हाइड्रोक्लोराइड। फ्यूरेन हाइड्रोक्लोराइड का एक अनस्टेबल सॉल्ट बना देता है। अब ये जो सॉल्ट है जब एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ब्राउन कलर का रेजिन बना देता है, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है तो सक्सेनिक डाइएल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट है इसका रिडक्शन रिएक्शन। जब फ्यूरेन को ट्रीट करवाया जाता है रेनिनिकल या फिर प्लाटिनम ऑक्साइड के साथ तो ये बनाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन की जब रिडक्शन करवाई जाती है
निकल के प्रेजेंस में और इसको हीट करवाया जाता है तो ये जनरेट करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और इस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को जब HCl के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये बनाते हैं क्लोरोहाइड्रिन्स। क्लोरोहाइड्रिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन फ्यूरेन इज ट्रीटेड विद मेथनॉल, फ्यूरेन को जब मेथनॉल के साथ ट्रीट करवाया जाता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये देते हैं डाई एसिटाल सक्सिनिक डाई एल्डिहाइड। फ्यूरेन को जब मेथनॉल और HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये जनरेट करते हैं डाई एसिटल सक्सेनिक डाई एल्डिहाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन। अब जो फ्यूरेन है सफिशियंट डाई इन करेक्टर, फ्यूरेन का जो करेक्टर है वो इतना अच्छा होता है कि ये जो है डील्स ऑल्डर रिएक्शन शो करता है। फ्यूरेन जो है वो डील्स ऑल्डर रिएक्शन शो करता है विद मैलिक एनहाइड्राइड एडिशन प्रोडक्ट। फ्यूरेन जो है जब रिएक्ट करता है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ तो ये डील्स ऑल्डर एडक्ट बना देता है। द एडिशन अकर्स अक्रॉस सी टू। अब ये जो एडिशन होती है सी टू और सी फाइव के दरमियान में होती है। पायरोल एंड थायोफिन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। पायरोल और थायोफिन जो है वो इस तरह के रिएक्शन शो नहीं करते। फ्यूरेन को जब ट्रीट करवाया जाता है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ तो एडक्ट बनता है जिसे डील्स ऑल्डर एडक्ट कहते हैं। यहाँ पे एडिशन होती है 4π+2π सिस्टम इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। और ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ से इसकी एडिशन होती है डाइईन की जो है वो एडिशन होती है एक मोनोईन के अंदर और हमारे पास डील्स ऑल्डर एडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्यूरेन लाइक पायरोल, फ्यूरेन जो है वो पायरोल की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है मेनली एट सी टू। और ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है ये सी टू यानी कि कार्बन नंबर 2 पे होती है। सब्स्टिट्यूशन एट सी थ्री अकर्स ओनली। सब्स्टिट्यूशन जो है वो कार्बन नंबर 3 पे सिर्फ उसी वक्त होती है व्हेन बोथ ऑफ टू पोजीशन आर ऑलरेडी ब्लॉक, जब इसकी दोनों सी टू की पोजीशन जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक होती हैं। अब हमने इसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने हैं। नंबर 1 है नाइट्रेशन। फ्यूरेन को जब ट्रीट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड तो हमारे पास जनरेट होता है 2-नाइट्रोफ्यूरेन और इसके साथ एसिटिक एसिड भी जनरेट होता है। नेक्स्ट जब फ्यूरेन की सल्फोनेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड पिरीडीन। पिरीडीन जो है वो एक बेस के तौर पे मतलब यहाँ पे एक कैटलिस के तौर पे यूज होती है एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो हमारे पास बनता है फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन रिएक्शन। फ्यूरेन के हेलोजिनेशन रिएक्शंस देखने हैं। फ्यूरेन रिएक्ट विगोरेसली विद क्लोरीन एंड बोरोमीन। ये जो है बहुत तेजी से रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और बोरोमीन के साथ एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता है टू गिव पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट और ये पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना देता है। बट डजंट रिएक्ट विद आयोडीन, लेकिन फ्यूरेन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। मच माइल्डर कंडीशंस हैव टू बी यूज टू ऑब्टेन मोनोक्लोरो एंड मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स। मोनोक्लोरो और मोनोब्रोमो के डेरिवेटिव्स यूज करने के लिए, मोनोक्लोरो और मोनोब्रोमो के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए फ्यूरेन को हम माइल्ड कंडीशंस में रिएक्ट करवाएंगे। ये फ्यूरेन है। फ्यूरेन की जब क्लोरीनेशन करवाई जाती है एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं 2,5-डाई क्लोरो फ्यूरेन या फिर 2-क्लोरो फ्यूरेन। और इसी तरह से फ्यूरेन की जब ब्रोमिनेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो हमारे पास जनरेट होता है 2-ब्रोमोफ्यूरेन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ एसाइलेशन रिएक्शन। फ्यूरेन कैन बी एसाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। फ्यूरेन को एसाइलेट कर सकते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। फ्यूरेन को जब ट्रीट करवाया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 और टिन क्लोराइड, टिन टेट्रा क्लोराइड, तो हमारे पास जनरेट होता है 2-एसाइल फ्यूरेन। नेक्स्ट है गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अब हमने पढ़ना है गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन के बारे में कि फ्यूरेन जो है वो किस तरह से फॉर्माइलेशन शो करता है। फ्यूरेन अंडरगोज गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फ्यूरेन जो है वो गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन शो करता है टू यील्ड फरफ्यूरल, और ये फरफ्यूरल बना देता है व्हेन ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जब इसको मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाते हैं जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एलुमिनियम ट्राई क्लोराइड, फॉलोड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की फिर डीकम्पोजिशन करवा दी जाती है प्रोड्यूस्ड विद वाटर, वाटर के साथ। अब जब HCl को HCN के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये गेटरमैन फॉर्माइलेशन का रिएक्शन है, तो हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट जनरेट होता है, एक अमीन जो है वो जनरेट होती है। अब ये जो अमीन है ये रिएक्ट करती है फ्यूरेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, तो हमारे पास जो है वो एक साल्ट बन जाता है। इस साल्ट की जब हम, ये साल्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है, इस कॉम्प्लेक्स की जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है फरफ्यूरल। नेक्स्ट है मर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब हमने मर्क्यूरेशन रिएक्शन पढ़ना है फ्यूरेन का। फ्यूरेन अंडरगोज मर्क्यूरेशन। फ्यूरेन जो है वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन शो करता है ऑन हीटिंग, जब इसको हीट किया जाता है विद मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम एसीटेट। एक्वस सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में जब इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन शो होते हैं। टू गिव टू क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन, टू क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन जो है वो बनता है। अब ये जो हमारे पास फ्यूरेन है इसको ट्रीट करवाते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम एसीटेट, तो हमारे पास बनता है टू क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन। अब जब इस टू क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन की आयोडीनेशन करवाई जाती है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके टू आयोडो फ्यूरेन प्रोड्यूस कर देता है, और जब इसको ट्रीट करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ तो ये टू एसाइल फ्यूरेन जो है वो जनरेट कर देता है। इसी तरह से हम इसकी ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं, ब्रोमिनेशन के नतीजे में ये बनाता है टू ब्रोमो फ्यूरेन। अब हमने इसका रिएक्शन डिस्कस करना है रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम। इसका रिएक्शन डिस्कस करना है एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ। जब फ्यूरेन को ट्रीट करवाया जाता है एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ये जनरेट करता है टू लिथियो फ्यूरेन। अब इस टू लिथियो फ्यूरेन या टू फ्यूरेन लिथियम को जब हम ट्रीट करवाते हैं HCl के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये फ्यूरिक एसिड जनरेट करता है। अब ये जो फ्यूरिक एसिड है हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवा के फिर से फ्यूरेन भी जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम इसके बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन के यूजेस क्या क्या हैं अब हमने इनको डिस्कस करना है। फ्यूरेन जो है ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये जो है बहुत सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल वैल्यू भी रखते हैं और लैब में भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फ्यूरेन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जिसे हम THF भी कहते हैं। THF के जनरेशन के लिए हम फ्यूरेन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोफ्यूरेन्स, नाइट्रोफ्यूरेन्स, नाइट्रोफ्यूरजोन, फ्यूरेजोनिल डॉन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स यूज एज एन एंटी प्रोटोजोल एजेंट टू ट्रीट अफ्रीकन ट्रीपैनोसोमियासिस, जो कि एक स्लीपिंग सिकनेस के लिए यूज़ होती है।
इसको जनरेट करने के लिए हम फ्यूरेन को यूज़ करते हैं, पेंटामाइडीन इंजेक्शन। पेंटामाइडीन इंजेक्शन जो है ये बनता है किससे, ये फ्यूरेन से बनता है। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस फ्यूरेन के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।